राम राम किसान भाइयों, मैं राजकुमार वर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ आपके अपने YouTube चैनल राज एग्रीटेक की इस नई वीडियो में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की एक बहुत ही खतरनाक बीमारी सीथ ब्लाइट के बारे में। किसान भाइयों, किन कारणों से यह रोग हमारी धान की फसल में लगता है तथा इसकी रोकथाम के क्या उपाय हैं, पूरी जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो आप वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा जरूर देखें। किसान भाइयों, धान की फसल में यह बीमारी तने के पास लगती है, यानी कि जड़ से थोड़ा ऊपर और पत्तियों से थोड़ा नीचे। इसके प्रारंभिक लक्षणों की अगर बात करें तो धान की निचली पत्तियों पर अंडाकार भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। जैसे जैसे यह धब्बे बड़े होते जाते हैं तो यह काले या बैंगनी भूरे रंग के हो जाते हैं तथा इनके जो बीच का भाग होता है वह सफेद रंग का हो जाता है। इस रोग के लगने की अगर परिस्थितियों की बात करें तो मौसम में अत्यधिक नमी और अधिक आर्द्रता होती है तो इस बीमारी का जो फंगस है वह एक्टिव हो जाता है। इसके अलावा नाइट्रोजन की ज्यादा मात्रा प्रयोग करने से भी यह बीमारी लगने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। प्रभावित पौधों की बालियों में दाने पूरी तरह से नहीं भरते तथा हल्का सा झटका लगने पर पौधे गिर जाते हैं। अधिक प्रकोप होने पर पौधे की सारी पत्तियां इस रोग से ग्रस्त हो जाती हैं और पौधा रोगग्रस्त होकर झुलस जाता है। किसान भाइयों, बात करें इस रोग के नियंत्रण की, तो यदि यह बीमारी धान में प्राथमिक अवस्था में है या हल्की फुल्की है तो आप हेक्साकोनाजोल प्लस बेलिडामाइसिन को मिलाकर अपनी धान की फसल पर स्प्रे कर सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। और यदि फसल में इसका प्रकोप बहुत ज्यादा है तो आप अजॉक्सीस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल नाम से कम्बाइंड साल्ट आते हैं, तो आप इनका स्प्रे अपनी धान की फसल में कर सकते हैं। अगर बात करूं इन दोनों की डोज की, तो आप 250 से 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इन्हें अपनी धान की फसल में लगा सकते हैं। तो किसान भाई, इन फफूंदी नाशकों का उपयोग करके आप अपनी धान की फसल को इस भयानक बीमारी से बचा सकते हैं। बाकी किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल राज एग्रीटेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।